इसको वेयर करने के बाद ये मुझे सच में ऐसे लग रहे थे जैसे हॉस्पिटल में बैंडेज बांध देते हैं ना, वैसे लग रहे थे ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय लवली वर्ल्ड। आज का वीडियो है फुटवेयर हॉल पार्ट टू पे, एंड पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, डेफिनेटली चेक इट आउट। उसमें मैंने आधे सैंडल्स दिखाए थे, आधे मैं आज में दिखाने जा रही हूँ। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट के सैंडल्स पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक सो मिंत्रा एंड टाटा क्लिक के उसमें दिखा चुकी थी, इसमें मैं और जवांग के भी आधे मैं आपको दिखा चुकी थी। इसमें मैं आपको बाकी बचे हुए सैंडल्स दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से लिए। तो जो फर्स्ट स्लीपर्स है वो ये बाटा के स्लीपर्स हैं, ये बाटा के फ्लैट्स हैं, 699 रुपीस के हैं ये, एंड इनका साइज है 5। सो आई गॉट इट फॉर अराउंड 250 और 240, अब मैं नीचे लिख दूंगी प्राइस। एंड ये बहुत ही क्यूट से स्लीपर्स हैं, मतलब ये फ्लैट हैं और इसके सोल भी बहुत बढ़िया है, एंड ये बहुत सिंपल से ब्राउन कलर के हैं। तो आप जीन्स के नीचे या आप नॉर्मल लेगिंग्स के नीचे, एथनिक वेयर के नीचे, सबके नीचे जाएंगे। आई लव दिस कलर, ये ब्राउन कलर ना बहुत ही ज्यादा अच्छा सा लुक देता है, इसलिए मैंने ये लिए। यहाँ पे इनके ऐसे बकल है, मुझे जिसमें भी पीछे थोड़ा सा स्ट्रिप रहता है वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसमें मुझे पैर ज्यादा बंधे हुए से लगते हैं, यू कैन से इट, मुझे बहुत ज्यादा फिटेड लगती हैं वो सैंडल्स। में पीछे बकल या इलास्टिक या समथिंग कुछ भी होता है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। आगे से बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा स्टड एक दो लगे हुए हैं, प्रीटी सिंपल से फुटवेयर है, 250 में इट्स अ ग्रेट डील, वो भी बाटा ब्रांड के, तो मुझे अच्छे लगे ये वाले। उसके नेक्स्ट जो मैंने लिए हैं वो है ट्रेसमोड ब्रांड से। सो ट्रेसमोड बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रांड है और बहुत ही अच्छे फुटवेयर रहते हैं इसके, प्रीटी कम्फर्टेबल फुटवेयर रहते हैं। तो जो मैंने इसके फुटवेयर्स लिए हैं वो ये ब्लैक कलर के सिंपल से फुटवेयर्स लिए हैं। मैं आपको बाटा वाले फुटवेयर्स भी जो ये वाले हैं ना डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी, बहुत प्यारे फुटवेयर्स है, बहुत कंफर्टेबल है, एंटी स्लिपरी है नीचे से पूरे, तो आपको काफी अच्छे रहेंगे। एंड ये वाले भी बहुत बढ़िया है ड्रेस मोड के, सिंपल से हैं। यहाँ पे इनका थोड़ा सा ना प्लास्टिक की सा मतलब ये जो स्ट्रिप है ना थोड़ा सा प्लास्टिक की सा है, जैसे इसका ना बहुत प्लास्टिक नहीं है, बट देन ऑल्सो ये बहुत हार्ड नहीं है प्लास्टिक, बहुत ज्यादा आपकी स्किन पे हार्श नहीं है। ये ब्लैक कलर के है, 37 साइज नंबर है, 1090 के हैं। ये भी मुझे 200 की रेंज में मिले हैं, लाइक 240 या 230 समथिंग में मिले थे, या ये मुझे इतने रेंज में मिले थे, इसलिए मैंने ये लिए थे। ये मुझे बहुत बढ़िया लगे, मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही फुटपैंट भी बहुत अच्छा और बहुत फ्लेक्सिबल से भी हैं, आप देख सकते हैं। सिंपल है, फ्लैट है, बट अगर आप कुछ फ्लैट में ढूंढ रहे हैं जो आपको बजट में भी चाहिए तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अगर ये सेल वगैरह में आ रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। और नीचे से भी पूरे एंटी स्लिपरी है, पूरा साइज एंड डिटेल्स दिया हुआ है, ऊपर से ब्राउन कलर का बेस है एंड ब्लैक कलर के सिंपल से सैंडल है और चप्पल टाइप्स की, एंड बहुत बढ़िया लगे। तो ये एथनिक वेयर, कैजुअल वेयर, मैक्सी ड्रेस सबके साथ जाएंगे, एंड बहुत ही वर्सेटाइल सैंडल्स हैं ये, बाटा वाली भी और ट्रेसमोड वाली। आई एम डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस बोथ सैंडल्स। उसके जो नेक्स्ट मैंने लिए हैं वो ये सैरीज ब्रांड के सैंडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख, तो ये सैरीज ब्रांड के सैंडल हैं। तो इनके सैंडल्स आपको जितने भी शोरूम्स होते हैं ना जो कि सारे ब्रांड्स रखते हैं वहां पे मिल जाएंगे, बिकॉज वहां पे मैंने देखे हैं काफी, बट मैंने ये जबोंग से लिए थे, तो पैकेजिंग पूरी उसकी वो डब्बे में आई। तो मैंने एक और फुटवेयर्स एंड बैग मंगाए थे इसी ब्रांड के, तो आई थिंक सो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इट्स सैरीज ब्रांड, और इसके बैग्स आते हैं इसके साथ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पैक करने के लिए, बैग के साथ भी आया था। तो ये सैंडल ऐसे पूरी दिखती है, 1699 इसका प्राइस है, इसका साइज जो है वो 37 है, एंड अंदर से पूरा पेपर आया था सो दैट शिपिंग के टाइम पे इसका जो शेप है ना वो खराब ना हो। इसमें भी बेल्ट दी होती है ना, ऐसे वो सैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको जैसे पहले बताया, और काफी बढ़िया लगती है फिटिंग वाइज। एंड ये प्रीटी सिंपल सी, आप इसको फ्लोटर्स काइंड ऑफ, थोड़ा सा फ्लोटर्स का मॉडर्नाइज वर्जन लग रहा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्रिस क्रॉस सैंडल है, बहुत प्यारी सैंडल है। सो 1699 इसका प्राइस है, एंड ये मुझे 540 समथिंग में मिली थी, बहुत अच्छे डील में मिली थी इसलिए मैंने ली थी। और इसके पास, इस ब्रांड के ऑलरेडी मेरे पास हील्स है, वो बहुत कंफर्टेबल है, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस, रियली लव दिस ब्रांड सैंडल बिकॉज वो बहुत कंफर्टेबल रहती है। सोल इसका बहुत बढ़िया है, सॉफ्ट है, फुटपैड भी इसका बहुत ज्यादा कुशन्ड है। अगर आप डेली वेयर में कोई सैंडल ढूंढ रहे हैं जो कि आपको ऑफिस के लिए चाहिए, कॉलेज के लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये वाली बाय कर सकते हैं, या आपको अमेजन, मैंने जबोंग से ली थी बट आपको अमेजन में भी आई थिंक सो मिल जाएंगी, मिंत्रा में भी मिल जाएगी। तो अगर मुझे लिंक मिलती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, डोंट वरी। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो शूज है वो अब है, जो मेरे सबसे फेवरेट शूज है वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं। तो मैंने फ्लिपकार्ट से 3 या 4 शूज लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इंक 5 ब्रांड के मैंने चप्पल ली है इससे, सैंडल्स, एंड ऐसे पैकेजिंग में पूरा आया है अंदर के लिए है मैंने। तो 2199 इनका प्राइस है, एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 500 और समथिंग, 520 समथिंग में ही मिले हैं मुझे, या बहुत अच्छे डील में मिल रहे थे फ्लिपकार्ट में, कुछ बिग बिलियन डे सेल चल रही थी तब मैंने ये लिए। बहुत ही प्यारे से सेम सैरीज ब्रांड के जो मैंने लिए थे ना सैंडल, वैसे ही है, ब्लैक कलर के, ब्लू, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा, इसमें थोड़ी ज्यादा हील है बस, इसलिए मैंने लिए। मुझे थोड़ी सी
हल्की सी हील्स पसंद है, बहुत हल्की, थोड़ी सी हील्स ना मुझे थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं, मैं ज्यादा हील्स नहीं पहनती हूँ आजकल डेली वेयर में, तो ये डेली वेयर के लिए मैंने मंगाए हैं। और ये बहुत प्यारे से क्रिस क्रॉस है, इसको वेयर करने के बाद ये मुझे सच में ऐसे लग रहे थे जैसे हॉस्पिटल में बैंडेज बांध देते हैं ना, वैसे लग रहे थे ये, बट कंफर्टेबल बहुत है, कुशन फुटरेस्ट है इसका। 38 साइज में लिए हैं मैंने ये, और बहुत ज्यादा जैसे अगर आपको एंकल ट्विस्टिंग की प्रॉब्लम है, आपके एंकल बहुत ज्यादा ट्विस्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं, आपके पूरे पैर इसमें अच्छे से फिटेड रहेंगे, इतने बेल्ट मिल रहे हैं इसमें, थोड़ा सा हॉस्पिटल काइंड ऑफ लुक दे रहा था पैर के बाद, बट यहाँ कंफर्टेबल है डेली वेयर के लिए, पूरे कुशन सोल है इसके एंड एंटी स्लिपरी है, बहुत कंफर्टेबल है, परफेक्ट है ब्लैक कलर के, क्योंकि ब्लैक कलर हर चीज के साथ जाता है। उसके बाद जो शूज मिल लिए हैं मैंने फ्लिपकार्ट से, दैट इज फ्रॉम नाइकी ब्रांड, आई लव दिस शूज, मुझे शूज चाहिए थे, डार्क ब्लैक नहीं, काइंड ऑफ ग्रेइश में शूज चाहिए थे, एंड मुझे लगा वो अमेजन से लेने के बाद मुझे लगा कि मैं थोड़ा ब्रांड में ही लूँ, बिकॉज वो थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, या HRS, नाइकी, पुमा, इनमें से किसी के, एंड ये शूज लिए हैं मैंने, बहुत प्यारे शूज हैं। सो इनका प्राइस 3695 रुपीज है, एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड 1200-1300 रुपीज में लिए थे, वो भी मैंने cashkaro.com से लिए थे, तो थोड़ा सा मुझे कैशबैक भी आया, मुझे प्रिटी स्टील डील लगी थी ये, बहुत कंफर्टेबल शूज, ब्लैक एंड ग्रे कलर के हैं ये मिक्स शूज, मैं इसको कैजुअल वेयर में ही पहनूंगी, स्पोर्ट्स में नहीं पहन रही हूँ मैं इसे। यहाँ पे मैश काइंड ऑफ इसका पैटर्न है, जो कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज शूज बहुत ब्रीथेबल लगते हैं, पैर बहुत ब्रीथेबल रहते हैं उसमें, तो वो मुझे अच्छा लगा। अंदर भी एक इसमें है मतलब कपड़ा, उसके ऊपर ऐसे मैश काइंड ऑफ है, एंड बहुत प्यारे शूज लगे मुझे ये, बहुत ही लाइट वेट, सो ये शूज मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे ही आए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ये शूज है एलेन सोली के, एंड ये मैंने लिए है फ्लिपकार्ट से, बहुत ही प्यारे शूज है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कब से ये शूज लेना चाहती थी, एंड मैं ऑफर का वेट कर रही थी, एंड मुझे मिल ही नहीं रहे थे ये शूज, मतलब जो बजट में मुझे चाहिए थे। सो ये एलेन सोली के हाई हील शूज है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये पैटर्न आजकल बहुत इन है, जारा में एंड बहुत से ब्रांड्स में, जारा, मेट्रो और बहुत से ब्रांड्स में ये शूज मिल रहे हैं, इवन मिंत्रा के इन हाउस ब्रांड रोडस्टर में भी ये शूज इस काइंड ऑफ अवेलेबल है। मैं आपको सिमिलर पैटर्न के शूज, उनका कलर नहीं होगा ऐसा, बट मैं आपको ये हील वगैरह वैसी होगी वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो इसका प्राइस है ये 2999 है, एंड ये मुझे मिले हैं 1399 में, मुझे कुछ ऑफर था फ्लिपकार्ट में, और उसपे भी फुटवेयर्स एंड क्लोथिंग समथिंग में आपको 200 रुपीज और ऑफ मिल रहा था, तो ये मुझे बहुत ही स्टील डील में मिले, और मैंने इसको डेफिनेटली बाय कर लिया। जो इसका साइज है दैट इज 5 साइज, बहुत प्यारे शूज है, बहुत लाइट वेटेड है, अंदर से बहुत कुशन है, एलेन सोली के 38 साइज में है, जैसे कि आप अंदर देख सकते हैं, अंदर से येलो, ऊपर से ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक कलर के मिक्स से शूज है। ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने रिकमेंड किए थे, और मुझे इस पैटर्न में शूज चाहिए थे, और उसने मुझे ये लिंक भेजी थी, तो मैंने उसके बाद ये शूज लिए, मुझे इतने अच्छे लगे। इसके दो कलर आते हैं, मैं आपको दोनों कलर शेयर कर दूंगी, अगर आपको ये वाला नहीं मिल रहा तो दूसरा कलर मिल जाएगा। लेस इसके पोल्का डॉट्स पतले से लेस है, बहुत ही चंकी से शूज है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हील है तो बहुत ज्यादा वेट, ऐसा नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड, आई कांट इवन टेल यू इतने लाइट हैं ये, मतलब नॉर्मल हील के शूज से, कुछ ब्रांड के नॉर्मल हील के शूज से भी इतने लाइट हैं ये, मुझे बहुत बढ़िया शूज लगे, बहुत क्यूट है। आप इसको कैजुअल वेयर में जीन्स के साथ, ड्रेसेस के साथ, तो मतलब आजकल इन है ये शूज, और इतने क्यूट लगने वाले हैं। एंड ये शूज मेरे मतलब फेवरेट है, सारे बाय में से मेरे फेवरेट शूज है, मुझे इतने प्यारे लगे ये शूज, बहुत प्यारे शूज है। सो या गाइज, ये था मेरा फुटवेयर हॉल, और आपके इनमें से कौन से फेवरेट फुटवेयर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपको सारे फुटवेयर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट अगर आपको चेकआउट करना है, जो भी अवेलेबल होंगे वो चेकआउट आप कर सकते हैं, और विशलिस्ट में डाल के ऑफर का वेट करके तब खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने का। सो यार गाइस, बाय बाय।